हेलो एवरीवन, वेलकम टू द होल न्यू सेशन ऑफ डार्क क्लासेस। जैसा कि आप देख ही चुके हैं हमारी न्यू अनाउंसमेंट वीडियो में, जिसमें हमने अनाउंस किया था कि डार्क क्लासेस अब से जीके के सेशंस भी लेगी। तो जी हाँ, आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारे जीके सेशंस, जो डेली डोज होंगे जीके के, और एक छोटा सा टॉपिक लेके हम उसके बारे में जानेंगे और रेगुलर अपडेट हम होते रहेंगे, जिससे हमारा रेगुलर जीके अपडेट होता रहे। जी हाँ, ये उन सब के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जिन्हें जीके में इंटरेस्ट है। तो अब आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो जिस टॉपिक से हम शुरू करने वाले हैं वो टॉपिक है अवार्ड्स एंड ऑनर्स। जैसे कि आप जानते ही हैं कि इंडिया एंड इंटरनेशनल लेवल पर कई सारे अवार्ड्स कई सारे फील्ड में दिए जाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्ज़ाम्स एंड ऑल्सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन। सो हम इसको पढ़ेंगे कैसे? हम इसको बिल्कुल नए तरीके से पढ़ेंगे, एक न्यू वे, अलग ढंग से पढ़ेंगे। कैसे? हम क्या करेंगे कि हम खुद को अज्यूम करेंगे कि ये अवार्ड हमें मिल रहा है, यानी कि आपको खुद को अज्यूम करना है कि ये अवार्ड आपको मिल रहा है। तो जिस प्रकार की फीलिंग आपके माइंड में उस समय होगी, उस तरह की फीलिंग ही आपको अभी पढ़ते टाइम लानी है, जिससे कि यह चीज़ आपके मन में बैठ जाएगी और आपको ये चीज़ लास्ट लॉन्ग तक रिमेंबर रहेगी, क्योंकि ये आपने खुद पर एक्सपीरियंस किया है, आपने खुद को एक्सपीरियंस किया है कि ये अवार्ड मुझे मिल रहा है। सो द टुडेज़ टॉपिक अबाउट द अवार्ड्स एंड ऑनर्स इज़ साइंस, साइंस अवार्ड्स, यानी कि साइंस के फील्ड में जो इंडिया में अवार्ड दिए जाते हैं, आज हम उनकी बात करेंगे। सो द फर्स्ट अवार्ड फॉर साइंस इन इंडिया इज़ शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। जी हाँ, ये साइंस के फील्ड में दिया जाने वाला इंडिया का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। ये पहले सबसे फर्स्ट जो स्टार्ट हुआ था 1958 में स्टार्ट किया गया था इसको देना। इसमें कैश अवार्ड होता है 5 लाख का, और चेक मिलता है 5 लाख का, और एक सर्टिफिकेट मिलता है और एक प्लेक मिलता है। साथ ही ये अवार्ड दिया जाता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की तरफ से। किस चीज़ के लिए? फॉर नोटेबल एंड आउटस्टैंडिंग रिसर्च इन अप्लाइड और फंडामेंटल बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, फिजिक्स अंडर द एज ऑफ 65 ईयर्स। यानी कि 65 ईयर्स से पहले अगर आपने इन सब सब्जेक्ट्स में कोई अच्छी या नोटेबल रिसर्च कर दी, तो उसके लिए ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ साइंस। नेक्स्ट अवार्ड इन द कैटेगरी ऑफ साइंस इज़ धनवंतरी अवार्ड। ये मेडिकल फील्ड में बेसिकली दिया जाता है। इसमें एक सर्टिफिकेट होता है, गोल्ड मेडल होता है, एंड 1 लाख धनवंतरी अवार्ड। क्या क्या? गोल्ड मेडल, सर्टिफिकेट और 1 लाख धनवंतरी अवार्ड। ये सबसे पहले दिया गया था 1971 में, एंड गिवन फॉर द एक्सीलेंस इन मेडिकल साइंसेस, मेडिकल सर्विसेज। दस अवार्ड इज़ गिवन बाय धनवंतरी फाउंडेशन। द नेक्स्ट अवार्ड इन द कैटेगरी इज़ डॉक्टर बीसी रॉय अवार्ड, डॉक्टर बीसी रॉय अवार्ड। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये अवार्ड बनाया है, और सबसे पहले 1976 में दिया गया, किन की मेमोरी में? जो कि भारत रत्न है डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की मेमोरी में, और इन्हीं के बर्थडे को हम डॉक्टर्स डे के रूप में भी मनाते हैं, डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के बर्थडे को, जो कि 1 जुलाई को होता है। और ये अवार्ड दिया जाता है मेडिकल या फिर किसी एमिनेंट मेडिकल पर्सन को जिसने कि काफ़ी अच्छा काम किया हो इन द फील्ड ऑफ मेडिकल्स। ये अवार्ड दिया जाता है, ये ध्यान रहे, ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? ये अवार्ड दिया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से न्यू दिल्ली में ऑन 1 जुलाई नेशनल डॉक्टर्स डे के दिन, यानी कि 1 जुलाई को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये अवार्ड देते हैं। इसमें मिलता है एक सिल्वर मेडल, सर्टिफिकेट एंड 1 लाख कैश। नेक्स्ट है अवार्ड है हमारा इन द फील्ड ऑफ साइंस इज़ जमुना लाल बजाज अवार्ड। इट इज़ अ प्रेस्टिजियस इंडियन अवार्ड फॉर प्रमोटिंग गांधीयन वैल्यूज़।
जो गांधीयन वैल्यू सोशल वर्क और सोशल डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है। और ये 1978 में जमुना लाल बजाज फाउंडेशन ने इसको शुरू किया था। इसमें मिलता है 5 लाख अवार्ड एंड सर्टिफिकेट एंड अ ट्रॉफी। द नेक्स्ट अवार्ड इन द कैटेगरी ऑफ साइंस इज होमी बाबा अवार्ड इंस्टीट्यूटेड इन 1990। ये 1990 में इस्टेब्लिश हुआ एंड गिवन फॉर द एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ एटॉमिक एनर्जी। और एटॉमिक एनर्जी में एक्सीलेंस के लिए दिया जाता है। इट कंप्राइजेस 50,000 का चेक एंड अ सर्टिफिकेट। द नेक्स्ट अवार्ड विच कम्स इन द कैटेगरी ऑफ साइंस अवार्ड इज विक्रम साराभाई अवार्ड इंस्टीट्यूटेड इन 1990 एंड गिवन फॉर द एक्सीलेंस इन इस फील्ड ऑफ स्पेस रिसर्च। ये स्पेस रिसर्च के फील्ड में एक्सीलेंस को ये रिसर्च कर दी उसके लिए दिया जाता है। और ये अवार्ड दिया जाता है बिरला फाउंडेशन की तरफ से एंड कंप्राइजेज ऑफ मेडल सर्टिफिकेट एंड 50,000 रुपीज। नेक्स्ट अवार्ड विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ साइंस अवार्ड इज GD बिरला अवार्ड। GD बिरला अवार्ड फॉर स्पेसिफिक रिसर्च इज कन्फर्ड बाई KK बिरला फाउंडेशन। KK बिरला फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है। KK बिरला फाउंडेशन 1990 में इस्टेब्लिश किया गया था बाई कृष्ण कुमार बिरला ने। इसमें मिलता है 1.4 लाख का चेक एंड अ सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर फॉर द अवार्डी। सो दीज आर द सम अवार्ड्स विच आर गिवन इन द कैटेगरी ऑफ साइंस एंड रिसर्च इन इंडिया। एंड इन नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट द अवार्ड्स गिवन इन द फील्ड ऑफ लिटररी एंड कल्चरल अवार्ड्स। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो गिव अस अ थम्स अप। और आगे भी हम पूरी की पूरी GK स्टैटिक GK जिसको कहते हैं और साथ में जनरल साइंस एंड हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी सब इस सीरीज़ में हम कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल डार्क क्लासेस को। थैंक यू।